अस्सलाम वालेकुम। ऑटो कैड में आज हम फिलेट को सीखेंगे। सो फिलेट के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ड्राइंग्स हैं, और इन ड्राइंग्स की कुछ कॉर्नर्स अगर आप देखें, सबसे पहले रेक्टेंगल को देखें, इसका एक कॉर्नर जो है वो आपका राउंडेड है। यहाँ बॉटम से भी देखें, इसको भी हमने राउंडेड रखा है और ये दोनों कॉर्नर इसके स्ट्रेट है। इसके अलावा अगर आप इस तरह के राउंडेड कॉर्नर्स चाहते हैं, या आपके अगर ओपन एरिया है और आप स्ट्रेट कॉर्नर्स चाहते हैं, तो भी फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास सर्कल्स हैं और आप टू टेंजेंट पॉइंट से आप इस तरह का एक आर्क टाइप बनाना चाहते हैं या इस तरह की एक शेप बनाना चाहते हैं, तो भी आप फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड पर मैंने ऑलरेडी कुछ शेप्स ड्रॉ कर रखी हैं टाइम को बचाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है और हम इसके चारों कॉर्नर्स या दो कॉर्नर्स को राउंडेड करना सीखेंगे। सो फिलेट की शॉर्टकट की है F। F प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करें, या फिर मॉडिफाई टूल में से जाकर आप यहां से भी फिलेट का यूज कर सकते हैं। F इंटर, और ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अंडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम या मल्टीपल। सो हम इसे रेडियस बताएंगे कि हमने कितने रेडियस पे इसे यहां से राउंडेड करना है। सो रेडियस के लिए R इंटर भी कर सकते हैं, यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसे बताएंगे रेडियस। सो मैं इसे 2 इंटर कर रहा हूं, और अब आप किसी भी कॉर्नर पर, वो आपसे कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद जैसे ही आप सेकंड लाइन पर जाकर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली देखें इसे राउंडेड कर रहा है। इसी कमांड को दोबारा रिपीट करने के लिए स्पेस या इंटर प्रेस कर सकते हैं। सो इस कॉर्नर पर क्लिक करें, सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, तो देखें आपके दोनों कॉर्नर्स राउंडेड हो गए हैं। इसी तरह आप इन कॉर्नर्स को भी कर सकते हैं, स्पेस फर्स्ट ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इसे कर्व में या आप इसे राउंडेड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास शेप आ रही है वो है आपके सामने, ये बिल्कुल ओपन शेप है। मैं इसे यहां से राउंडेड, यहां से राउंडेड और यहां से स्ट्रेट कॉर्नर चाह रहा हूं। इसके लिए भी हम F इंटर प्रेस करेंगे और फिलेट का यूज करेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो रेडियस हमें देना पड़ेगा, रेडियस हम दे देते हैं 2 इंटर, फर्स्ट शेप या फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एंड जैसे ही हम सेकेंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो देखें इसने इन दोनों को आपस में कंबाइन भी कर दिया है, दोनों को आपस में जोड़ भी दिया और आपने इसे राउंडेड भी बना दिया। इसी तरह स्पेस से अगेन मैं रिपीट करूंगा क्लिक, एंड यहां पर आकर मैं दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर भी आपका फिलेट अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहां पर कंडीशंस कुछ डिफरेंट है, हमें स्ट्रेट कॉर्नर्स चाहिए। उसके लिए हम फिलेट का यूज कर सकते हैं F इंटर, और F इंटर के बाद हमने रेडियस देना है यहां पर 0। याद रखें यहां 0 देंगे तब स्ट्रेट कॉर्नर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूं, और जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट पर जाकर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो देखें इसने दोनों कॉर्नर्स को स्ट्रेट कॉर्नर में आपस में जो है वो जोड़ दिया है। इसी तरह स्पेस से मैं रिपीट करूंगा सेक्शन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड जैसे ही सेकेंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा तो ये आपको स्ट्रेट कॉर्नर दे देगा। तीसरी जो शेप हमने ड्रॉ की है, इस शेप में आप पर टू टेंजेंट पॉइंट से, टेंजेंट टेंजेंट पॉइंट से हम इसे आर्क टाइप जो है वो हम फिलेट से ड्रॉ करना सीख रहे हैं। सो आप अपने कीबोर्ड से या यहां पर जाकर आप फिलेट पर क्लिक कर दें। फिलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शंस दोबारा से आ गए। अब आपने यहां से रेडियस पर क्लिक करना है या आर इंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं यहां 5 रेडियस दे रहा हूं और इंटर कर रहा हूं। यहां आप फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट पर क्लिक करें, एंड जैसे ही सेकंड टेंजेंट पर पॉइंट पर क्लिक कर रहे हैं, देखें तो आपको ये इस तरह का कर्व बना कर दे रहा है। सो अगेन स्पेस बार से, अगेन मैं अगर रेडियस बताऊं इसको यहां पर और सेकंड टेंजेंट पॉइंट, इसी तरह अगेन स्पेस बार और फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही सेकंड टेंजेंट पॉइंट पर क्लिक करूंगा, तो आप देखें इस तरह की शेप आपको इसने बनाकर दे दिया। तो इस तरह आप फिलेट का यूज कर सकते हैं। हम इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम का यूज करेंगे। ट्रिम में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, सेंटर पॉइंट इसके हम ट्रिम कर देते हैं, तो ये आपकी जो शेप है वो ड्रॉ हो चुकी है। सो ये थी मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नई कमांड के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।